एक कदम हरियाली की ओर, बिहार सरकार की इस योजना का किसानों को मिला लाभ। तालाब और कुआं निर्माण के लिए मिलेंगे 75,000 रुपए। जाने जल जीवन हरियाली योजना का क्या है उद्देश्य। देश में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी ने सबका बुरा हाल कर रखा है, ऐसे में बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ये एक नेक पहल है। इस योजना का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि जल संग्रह को भी बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2019 में 3 साल के लिए की गई थी, लेकिन इस अभियान को अब 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर 2.5 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण किया है। सरकार द्वारा किसानों को परंपरागत पानी के स्रोत जैसे कि तालाब, कुओं का निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग और खेतों की सिंचाई के लिए 75,500 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के कटने से सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ता है, जिसके कारण कम वर्षा होती है और खेतों में उपज रही फसलों पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की आधी जनता अपने भरण पोषण के लिए खेतों पर ही आश्रित है, ऐसे में सरकार की ये योजना किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि इसके लिए भी किसानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। इस श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया गया है जो 1 एकड़ की ज़मीन पर सिंचाई करना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आवेदन डाल सकते हैं। दूसरा है सामूहिक श्रेणी। इस सूची में उन किसानों को शामिल किया गया है जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, वैसे किसान समूह बनाकर सिंचाई का कार्य कर सकते हैं और सामूहिक श्रेणी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली योजना की क्या है पात्रता। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना के तहत आवेदक को कम से कम 1 एकड़ खेती की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी और यदि किसान को योजना के तहत आवेदक को कम से कम 1 एकड़ खेतों की सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाएगी और यदि किसान को 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इसका लाभ लेना हो तो उनकी जितनी लागत होगी सरकार द्वारा उतनी सब्सिडी उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको योजना के आवेदन करते वक्त निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, बैंक खाते का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन आवेदन की क्या है प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना है और होम पेज पर आवेदन करे पर क्लिक करना है। जल जीवन हरियाली योजना का चयन करना है। आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको किसान समूह या स्वयं किसान से किसी एक का चयन करना है। उसके बाद आपको अपनी किसान पंजीकरण संख्या को दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारियां भरनी है और अपने आवेदन को सबमिट कर देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।